हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 26 तक का। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। और इस एक्सरसाइज पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन का जो कैटेगरी है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मेट है, कुछ इस फॉर्म में रहता है ना। साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। और इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में वर्किंग रूल का चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग देखेंगे इसके पावर्स को, कि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स करेंगे, अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स करेंगे, और अगर साइन और कॉस दोनों का ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग जेड इक्वल टू साइन एक्स या फिर जेड इक्वल टू कॉस एक्स दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। और अब बात आता है कि अगर दोनों में से किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो तब हम लोग देखेंगे इन दोनों के पावर्स को सम करके। अगर दोनों का ऑड पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं हो, दोनों में से किसी का नहीं, तब हम लोग एम प्लस एन सम करके देखेंगे इसके पावर्स को। और अगर इसका पावर का सम इवन पॉजिटिव इवन नेगेटिव इंटीजर आता है तब हम लोग पुट जेड इक्वल टू टेन एक्स करेंगे, और अगर ये दोनों के पावर का सम इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है तब हम लोग ये सारे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, फिर साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला, कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला। तो इस टाइप के हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 2x इंटू साइन 3x dx। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 3x dx। अब बहुत लड़का सोचता होगा कि सर इसमें साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स करेंगे। नहीं भाई, यहां पे भी हम लोग पुट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का एंगल सेम नहीं है। इसका एंगल x है, इसका एंगल 3x है। पहली बात, एंगल भी सेम होना चाहिए। तो पहले हम लोग साइन 3x का फॉर्मूला लगा के एंगल सेम बना लेते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये साइन 3x का फॉर्मूला हुआ। अब देखो यहां पे साइन एक्स हम लोग एक बाहर कर लेते हैं क्योंकि साइन एक्स कॉमन है। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और फिर डी एक्स। अब देखने से पता चल रहा है कि किसका पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। कॉस का तो पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, साइन का ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स। तो पुट करते हैं, पुट जेड इक्वल टू कॉस एक्स। और हम लोग पुट क्यों करते हैं, ताकि इस इंटीग्रेशन को जेड के फॉर्म में बनाया जाए। इसका मतलब डी एक्स के स्थान पे हमें डीजे लाना होगा, तो ये जेड को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देन डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस को डीजेड साइड बुला लेंगे क्योंकि साइन एक्स डी एक्स के बदले हम लोग तब लिख सकते हैं माइनस डीजेड। तो माइनस डीजेड इक्वल टू साइन एक्स और फिर डी एक्स। तो अब यहां पर देखो कि हम साइन एक्स डी एक्स के बदले लिख सकते हैं माइनस डीजेड, और इस कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिख देंगे जेड का स्क्वायर। लेकिन चेंज कौन नहीं हो पा रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर साइन स्क्वायर एक्स जेड के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही काम करते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे 3 माइनस 4, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पे हर टर्म तुम्हारा जेड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। ये साइन एक्स डी एक्स माइनस डी जेड बनेगा, या जेड स्क्वायर बनेगा, यहां पर 3 माइनस 4 1 माइनस जेड स्क्वायर बनेगा। सबको जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जेड स्क्वायर 3 माइनस को माइनस 4 को यहां मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो माइनस 4 और प्लस 4
का स्क्वायर हो जाएगा, ये से जेड स्क्वायर हुआ तो, और फिर इनटू इसके बदले साइन एक्स डीएक्स के बदले लिखेंगे माइनस डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर, थ्री माइनस फोर आपका हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर जेड स्क्वायर और फिर माइनस डी जेड। माइनस अगर यहां पे हम लोग लगा लें तो जो माइनस पे है वो प्लस पे हो जाएगा और जो प्लस पे है वो माइनस पे हो जाएगा। जेड स्क्वायर फोर ये प्लस में हो जाएगा वन माइनस फोर जेड स्क्वायर और फिर डी जेड। अगर हम इस जेड स्क्वायर को यहां पे मल्टीप्लाई कर दें फिर हम लोग बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड फोर और फिर डी जेड। अब एक्सएन वाला फॉर्मूला दोनों में काम कर जाएगा तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जेड क्यू बाई थ्री और फिर माइनस फोर कॉन्स्टेंट बाहर और जेड फोर का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड फाइव बाई फाइव प्लस सी। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ और हम लोग जेड को क्या पुट किए हुए थे कॉस एक्स, तो जहां जेड हम लोग कॉस एक्स रख देंगे इक्वल टू कॉस क्यू एक्स हो जाएगा क्योंकि इसमें पावर तीन है डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर कॉस फाइव एक्स डिवाइडेड बाई फाइव प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आते इसका नेक्स्ट सवाल 14 पे, यहां आपका है cos q x into e to the power log sin x dx है। देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, बस हमें यहां पे log का एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। सवाल क्या है cos q x into e log sin x dx। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर e log x है तो इसका फॉर्मूला जो log का आर्गुमेंट रहता है वही इसका फॉर्मूला हो जाता है x हो जाता है। अगर हम यहाँ पे e log x स्क्वायर लगा दें तो इसका वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम e log sin x का बात कर रहे हैं तो आर्गुमेंट यहाँ पे कौन है sin x, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो इस e log sin x को हम लोग सिर्फ sin x लिख सकते हैं इक्वल टू cos q x इंटू sin x dx। अब हो गया ना sin टू द पावर इंटू cos टू द पावर एन एक्स डी एक्स वाला फॉर्म। तो जब हम लोग यहाँ पे दोनों का पावर ऑड है हम लोग किसी को भी जेड पुट कर सकते हैं, तो ये बड़ा दिख रहा है थोड़ा इसी को जेड पुट कर लेते हैं। तो पुट जेड इक्वल टू cos x करते हैं, पुट जेड इक्वल टू cos x देन डिफ्रेंशिएट करना होगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, माइनस इधर एक्स्ट्रा चला गया है डी जेड के साइड बुला लेते हैं माइनस डी जेड इक्वल टू sin x dx। तो इस sin x dx के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस dz और ये हमारा बन जाएगा z क्यूब इक्वल टू z क्यूब और फिर माइनस dz। z क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z 4 बाई 4 इक्वल टू माइनस z 4 बाई 4 प्लस c। z को हम लोग cos पुट किए हुए हैं तो cos टू द पावर माइनस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 15 साइन क्यू टू एक्स, ये तो काफी सिंपल है। यहाँ cos cos का पावर क्या जीरो है ना, साइन टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर nx के ही फॉर्म में है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू टू एक्स, देखो इसको हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। 19.2 में हम लोग बनाए हुए थे ना कि डायरेक्ट साइन क्यू एक्स का भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको लीनियर फॉर्म में बदलना है तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं। खैर हम लोग इस एक्सरसाइज पे तो इस नियम से बनाते हैं, साइन का पावर ऑड है पुट जेड इक्वल टू हम लोग कॉस एक्स करेंगे, तो यहां सिर्फ कॉस एक्स नहीं कॉस टू एक्स पुट करना होगा क्योंकि साइन क्यू टू एक्स है यहां पे। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स और चैन रूल में टू कॉफिशियंट एक्स का है टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो गायब कौन होगा साइन टू एक्स और डी एक्स गायब होगा, तो एक्स्ट्रा चीज इधर कौन चला गया माइनस है टू है, तो इसको डीजेड के साइड बुला लेते हैं हम लोग। ये आपको हम लोग लिखेंगे माइनस डीजेड बाई टू इक्वल टू साइन टू एक्स और फिर डी एक्स। एक साइन टू एक्स हम इसे डिमांड किए कि लाओ भाई हमें डीजेड बनाना है, तो नाउ इंटीग्रेशन इसके पास दो साइन रह जाएगा साइन स्क्वायर टू एक्स और एक डीजेड बनने के लिए इधर ले आए हम लोग साइन टू एक्स डी एक्स, तो ये आपका बन जाएगा माइनस डी जेड बाई टू। लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जेड कॉस टू एक्स को पुट किए थे, लेकिन उपाय है कि हम इस साइन स्क्वायर टू एक्स को कॉस के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है
लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और फिर इंटू साइन 2x dx। तो कॉस को हम लोग जेड पुट किए हुए थे, 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, और फिर साइन 2x dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dz बाई 2, माइनस dz बाई 2, माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर भी कर सकते हैं, केवल 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर करते हैं, माइनस इस पे लगा देते हैं, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर, माइनस इस पे लगाएंगे तो जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं अब, 1 बाई 2 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यू बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन माइनस जेड और प्लस सी, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इक्वल टू जेड क्यू बाई 6 और फिर माइनस जेड बाई 2 प्लस सी। तो जेड को हम लोग क्या पुट किए हुए थे, जेड हम लोग पुट किए हुए कॉस 2x, तो जहां जेड है हम लोग कॉस 2x रख लेते हैं, हो जाएगा कॉस 6 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस कॉस 2x बाई 2 और फिर प्लस सी, ये आंसर हुआ। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से साइन क्यू एक्स वाला फॉर्मूला से बनाते तो ये आंसर नहीं आएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा, तो उसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16, cos to the power 5x into cos x square x dx। अरे भाई यहाँ पे cos to the power m है लेकिन sin का power n कहाँ है, sin तो है ही नहीं, लेकिन इसको बदला जा सकता है क्योंकि cos x square x और sin square में relation है, cos x को 1 by sin x लिखा जाता है, वही काम कर लेते हैं हम लोग 16 पे। Integration of cos to the power 5x into cos x square x और फिर dx, तो इस cos x स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर x। तो अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 5x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x dx। अब हमारा साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स के फॉर्म में हो गया। तुम लोग सोचता होगा नहीं सर साइन तो नीचे है, अरे भाई उसको हम ऊपर लेके जाएंगे 2 को, तो साइन माइनस 2x इंटू कॉस 5x dx हो जाएगा, तो साइन टू दी पावर एम एक्स और कॉस टू दी पावर एन एक्स का फॉर्म आ जाएगा। अब हमें ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम लोग जान लें कि फॉर्म तो वही है। हम लोग देखेंगे किसका पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो कॉस का पावर देखो 5 है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स, यहां पुट कर लेते हैं, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स, पुट किए हैं डिफरेंशिएट भी करना होगा, देन डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और dz किसके इक्वल हो जाएगा cos x dx के इक्वल। अब इंटीग्रेशन आगे क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ये dz के लिए इन्होंने बोला कि भाई तुम हमको एक cos दे दो, तो इसके पास कितना cos बचेगा, 4 बच जाएगा, cos 4x और डिवाइडेड बाय sin को ही तो हम लोग z पुट किए हैं और फिर यहां cos x dx लगा दिए। अब ये भाई साहब cos x dx बन जाएगा dz, ये बन जाएगा z स्क्वायर, लेकिन कन्वर्ट cos 4x फिर से नहीं हो पा रहा है z के फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं उपाय है cos को sin में बदलने का, sin को cos में बदलने का, तो पहले हम इसको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग cos 4x का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग cos स्क्वायर x का जानते हैं, तो इसका स्क्वायर लगा दिए तो फिर से दोबारा पावर 4 हो गया डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इनटू cos x dx, और इस cos स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हर चीज यहां पर जेड के फॉर्म में बदलने के लिए तैयार है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन को जेड पुट किए तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर और इस कॉस एक्स डी एक्स के बदले में डी जेड। यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको लगा लेते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर z का पावर 4 हो जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर dz। अलग अलग सब में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा बेसिक फॉर्मूला लग जाए, इसको लिखेंगे 1 बाय z स्क्वायर फिर माइनस 2z स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस z 4 बाय z स्क्वायर और फिर dz। ये आपका यहां पे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसल और इसमें पावर कम हो जाएगा। 1 बाय जेड स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं,
फिर माइनस टू हो जाएगा और प्लस यहां पे जेड स्क्वायर बचेगा फिर डीजेड, तो वन बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस वन बाय जेड, क्योंकि वन बाय एक्स स्क्वायर का होता है माइनस वन बाय एक्स, फिर माइनस टू जेड और जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाय थ्री प्लस सी। अब जेड हम लोग क्या पुट किए हुए थे, जेड हम लोग साइन एक्स लिए हुए हैं, तो जहां जहां जेड हम लोग साइन एक्स लगा देंगे माइनस वन बाय साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन क्यू एक्स बाय थ्री प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो माइनस वन बाय साइन को माइनस कॉसेक एक्स भी लिख सकते हो। आते नेक्स्ट पे 17, ये भी बहुत सिंपल है, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स का फॉर्म है और दोनों का पावर ऑड है, हम लोग किसी को भी जेड पुट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला पुट कर लेते हैं ताकि सॉल्यूशन करना आसान हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेवन ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स, तो पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे कॉस एक्स, क्योंकि साइन का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, पुट जेड इक्वल टू कॉस ए एक्स, डीजेड हमें निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स और ए कोफिशिएंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गायब कौन होगा साइन ए एक्स के साथ डी एक्स गायब होगा, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज इधर चला गया वो माइनस ए है, तो इसको इधर बुला लेते हैं हम लोग, हो जाएगा माइनस डीजेड बाई ए इक्वल टू साइन ए एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, इस कॉस सेवन ए एक्स को हम लोग जेड सेवन लिखते हैं और इसके बदले साइन एक्स डी एक्स के बदले लिखेंगे माइनस डी जेड बाई ए, तो माइनस वन बाय ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे और जेड सेवन का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड एट बाई एट इंटू जेड एट बाई एट प्लस सी, और जेड के स्थान पे हम लोग पुट किए हैं कॉस एक्स रख लेते हैं इक्वल टू माइनस कॉस एट ए एक्स डिवाइडेड बाई एट ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। एटीन नंबर सवाल, ये देखिए अब फॉर्मेट हमारा चेंज हो गया 18 से, 18 में स्पेशल बात क्या आया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर देखो साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स के फॉर्म पे है, उस फॉर्मेट पे है, लेकिन जब हम इसका निरीक्षण किए तो किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है दोस्त, और जब किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तो हम उसके दोनों के m और n को सम करके देखते हैं, तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो हम तो इसको पहले ऊपर लेके जाते तब तो वो फॉर्म देता, तो दोनों का पावर यहाँ 2 जरूर दिख रहा है लेकिन दरअसल है ये माइनस 2, कॉस का भी पावर कितना है माइनस 2, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना साइन का पावर माइनस 2x इंटू कॉस का पावर माइनस 2x dx, दरअसल इस चीज को यहाँ पे ये शो कर रहा है नीचे है, तो अगर हम इसके दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो माइनस 4 आएगा जो कि इवेंट नेगेटिव इंटीजर देता है, और वर्किंग रूल क्या था कि अगर ये इवेंट नेगेटिव इंटीजर देता है तब हम लोग पुट जेड इक्वल टू टेन एक्स करेंगे, खैर इसको ऊपर लिखने का जरूरत नहीं है, बनेगा ये नीचे से ही बन जाएगा, लेकिन हम लोग उपाय लगा रहे हैं कि आखिर बनाएंगे कैसे, तो अगर ऐसा होता था तो हम लोग क्या वर्किंग रूल में सीखे हुए हैं कि पुट जेड इक्वल टू टेन एक्स करेंगे, लेकिन यार टेन एक्स तो जेड हम लोग पुट करेंगे लेकिन यहाँ तो कोई टेन का फॉर्म है नहीं, फिर क्या होगा, देखो उसका भी उपाय हम लोग कर लेंगे, फिलहाल हम लोग पुट कर लेते हैं जेड इक्वल टू टेन एक्स, क्योंकि वर्किंग रूल हमें यही बोलता है कि इस कंडीशन में हमें टेन को पुट करना चाहिए, देन डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डीजेड किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स। नाउ अब इंटीग्रेशन में बदलाव हम लोग लाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, देखो टेन यहां पे हमें बनाना पड़ेगा, यहां पे टेन है नहीं, और टेन बनता कैसे है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा बना के देगा, साइन बाय कॉस का फॉर्म चाहिए और यहां साइन इंटू कॉस है, तो यहां पर देखो देखना पड़ेगा कि साइन का कितना पावर है, टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो चलो साइन स्क्वायर एक्स लिखे हम, तो इसको टेन स्क्वायर में बदलने के लिए हम लोगों को कितना कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा, दो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स लगाएं, अब हम कुछ भी ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, गणित है भाई, नियम से चलना पड़ेगा ना, तो जितना से डिवाइड किए इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर से साइन स्क्वायर एक्स ही बनाया, और एक कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है, इसको भी लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो सेम चीज, ये चीज को हम लोग कुछ अलग ढंग से लिखे हैं, हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अब और आगे आते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय इस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, और इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, अभी सही चेंजिंग गलत है कि वन बाय हम लोग नीचे यहां पे इसको साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स लिख दिए। और चूंकि हमें गायब करने में क्या चाहिए, डिजिट कब देगा, जब हम सेक स्क्वायर एक्स इसको देंगे, तो अगर हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, वन बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, तो यहां सेक स्क्वायर एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इस फॉर्म पे ये चला जाएगा, ये दोनों को अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो। अब देखो भाई, इस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डीजेड लिखेंगे। एक तो क्लियर है कि ये जेड के फॉर्म पे बदल गया, और टेन को हम लोग जेड पुट किए हुए हैं, तो उसको भी जेड पे हम लोग जेड स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन अभी बदल कौन नहीं पा रहा है, सेक स्क्वायर एक्स एक तो और जो है वो बदल नहीं पा रहा है, तो इसको भी हम लोग टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स को टेन के फॉर्म में लिखने के लिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। तो इस सेक स्क्वायर एक्स के इसके बदले हम लोग लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इसका हमें जरूरत था इसीलिए इसको ऐसा ही रहने दिए, क्योंकि यही तो डीजेड हमें बना के देगा, और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स और फिर dx। अब टोटल चीज z के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, और ये दोनों के बदले में dz, अलग अलग डिवाइड करते हैं, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय z स्क्वायर और फिर dz, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय z स्क्वायर इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और यहां प्लस वन आया है, वन बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाय जेड, और वन का जेड प्लस सी, और जेड को हम लोग क्या पुट किए थे टेन, तो माइनस वन बाय टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और माइनस वन बाय टेन को हम लोग कॉट में लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। 19 dx by sin qx into cos 5x integration of dx by sin qx into cos 5x dx। अब इसमें बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि ये तो दोनों का पावर और पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, z इक्वल टू sin x भी, z इक्वल टू cos x भी। नहीं दोस्त, ये उस फॉर्म पे नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर पे ये नहीं है, क्योंकि इस चीज को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे फॉर्मेट में बनाना चाहेंगे, तो इसका कुछ माइनस थ्री एक्स इंटू कॉस माइनस फाइव एक्स डी एक्स हो जाएगा, कुछ इस ढंग से इस चीज को लिखा जाएगा, जबकि रूल क्या है कि अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो, यहाँ ऑड तो है लेकिन नेगेटिव है, जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर दोनों में से किसी का नहीं रहता है, तब फिर हम इसके पावर को सम करके देखते हैं, तो माइनस थ्री और माइनस फाइव मिलकर कितना हो जाएगा माइनस आठ, और माइनस आठ इवेन नेगेटिव इंटीजर है, और जब इवेन नेगेटिव इंटीजर सम आता है तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं टेन एक्स करते हैं, तो इसमें भी जेड इक्वल टू टेन एक्स ही पुट होगा, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, सिर्फ हम लोग पुट कर लेंगे जेड इक्वल टू टेन एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना होगा डीजेड के लिए हमें, डीजेड बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डीजेड किसके इक्वल सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। Now, अब देखो फिर से हमें tan और sec का जरूरत पड़ा है dx by, हम इसको tan बनाना चाहते, देखो इसमें sin का पावर तीन है, sin qx है, तो उसी से हमें डिवाइड करना होगा cos को, cos qx से ही, फिर बैलेंस भी करना होगा कितना से cos qx से, ताकि ये कट जाए और दोबारा वही चीज रहे, और एक cos 5x पहले से है सवाल में, ये आपका cos 5x, और अब हमारा चेंज होके ये हमारा आ जाएगा tan में, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका हो गया tan qx
और cos q और cos 5 मिलके हो जाएगा cos 8x, कुछ इस ढंग से। और फिर यहां पे dx इक्वल टू, इस cos को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो sec 8x डिवाइडेड बाय tan qx dx आएगा। तो हमें डीजर बनाने के लिए दो सेक चाहिए और इसके पास टोटल 8 है, तो दो सेक हम लोग मांग लेते हैं। अब इसके पास टोटल 6 बचेगा, sec 6x डिवाइडेड बाय tan qx, और इन्होंने डीजर बनाने के लिए दो सेक डोनेट कर दिया है। अब ये भाई साहब बन जाएगा डीजर, ये बनेगा जेड क्यू, लेकिन कन्वर्ट sec 6x अभी भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको tan के फॉर्म में बदलेंगे। और tan कब बदलेगा, जब sec स्क्वायर x का फॉर्म हो, तो हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और इसका पावर 3 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय tan qx इंटू sec स्क्वायर x और फिर dx। और आगे आते हैं हम लोग, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस sec स्क्वायर x को लिखेंगे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x और इसका पावर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय tan qx इंटू sec स्क्वायर x और फिर dx। अब जाके पूरा ये z के फॉर्म में बदल जाएगा, 1 प्लस z स्क्वायर इसका पावर 3 डिवाइडेड बाय z क्यूब और फिर dz। यहां पर a प्लस b का होल क्यू है, फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यू प्लस b क्यू लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा z 6 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, मतलब 3 जेड स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 जेड 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जेड क्यू डी जेड। अलग अलग सब में डिवाइड करेंगे हम लोग, 1 बाई जेड क्यू हो जाएगा प्लस जेड 6 बाई जेड क्यू हो जाएगा प्लस 3 जेड स्क्वायर बाई जेड क्यू हो जाएगा प्लस 3 जेड 4 बाई जेड क्यू हो जाएगा और फिर dz। तो इतना दूर तक बात क्लियर, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वल टू, इसको बेसिक पे बदलने के लिए हम इसको ऊपर माइनस 3 पावर लिख सकते हैं, और यहां पे z 3 है, यहां पावर 6 है, तो इसको जेड क्यू लिखेंगे, जेड स्क्वायर है और जेड क्यू है तो 3 बाई जेड इसको लिखेंगे, क्योंकि 1 बाई जेड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, और ये जेड क्यू ऊपर जेड 4 है तो प्लस 3 जेड और फिर थ्री जेड हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं सब, इसमें एक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, जेड का पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस जेड 4 बाई 4 प्लस 3 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग मोड जेड और प्लस 3 जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। इसको अगर हम पॉजिटिव करके लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है माइनस 1 बाय जेड का स्क्वायर और प्लस, यहाँ जेड के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पुट किए थे, टेन एक्स शुरुआत में ही, तो टेन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 लॉग मोड 10x प्लस 3 बाय 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहां 10 लगा देंगे तो माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 10 4x बाई 4 प्लस 3 लॉग मोड 10x प्लस 3 बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो इस माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई टेन एक्स कॉट एक्स होता है, इतना भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, देखिए साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस 6x, किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब हम पावर को सम करके देखेंगे, इसका 4 और यहां ये ऊपर जाएगा तो माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 2, इवेन नेगेटिव इंटीजर तो पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे 10x करेंगे। देखो इसको बनाते हैं हम लोग 20 को, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाई कॉस 6x dx, इसमें हमें डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही कॉस डिवाइड है। देखो साइन 4x और हम यहां से 4 कॉस ले लिए कॉस 4x, अब इसके पास 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा है, टोटल इसके पास 6 कॉस था और फिर dx,
इस साइन 4x बाय कॉस 4x को हम लोग लिखेंगे टेन 4x, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। अब जब tan और sec है तो हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, tan x, क्योंकि नियम है पुट z इक्वल टू, हम लोग tan x करेंगे, पुट z इक्वल टू tan x, देन dz बाय dx किसके इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो फिर dz किसके इक्वल sec स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेशन z के फॉर्म में बदल जाएगा, ये आपका इसके बदले में हम लोग लिखेंगे z4 और इसके बदले में लिखेंगे dz, z4 into dz equal to z5 by 5 plus c, और z को हम लोग क्या पुट किए हैं tan tan 5x by 5 plus c, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आते हैं 21 पे, 21 भी थोड़ा सा अलग है, और 21 का जो सवाल है नेक्स्ट एक्सरसाइज से मिलता जुलता है। 21 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉस एक्स बाय साइन 5x dx। देखो भाई ये तुम्हारा कॉस एक्स बाय साइन 5x है ना, इसको हम लोग जब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वहां हम लोग इस फॉर्म को पढ़ने वाले हैं tan mx into sec nx dx, और फिर या तो फिर cot nx into cosec nx dx। जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे तो वहां पर यही दो फॉर्म हमें मिलने वाला है। उसमें क्या होता है कि अगर sec का पावर इवन है तो पुट z इक्वल टू tan x करते हैं, और अगर cosec का पावर इवन है तो पुट z इक्वल टू cot x करते हैं, ये नियम हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। तो यही नियम वहां पे लगेगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी नियम से बनाते हैं, और जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे तो बात तो वैसे भी पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो पहले हमें इसको बनाना पड़ेगा कॉट, तो इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स और एक साइन हम इससे ले लिए, और फिर इंटू वन बाय, इसके पास अब टोटल चार साइन एक्स बचा हुआ है, कॉस बाय साइन बदल जाएगा कॉट में कॉट एक्स, और इस 1 बाय साइन 4 को हम लोग लिखेंगे कॉसेक 4x dx। ये तो रूट से नहीं निकल सकता है क्योंकि ये सिंगल पीस है, ये तो रूट में रह गया, लेकिन कॉस 4x है 4 है तो 2 निकल जाएगा रूट से बाहर, कॉसेक स्क्वायर x और फिर dx। तो अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले कि अगर कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू क्या करेंगे cot x, पुट बिल्कुल इसी टाइप का सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पुट z इक्वल टू cot x, देन dz बाय dx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये cosec स्क्वायर x गायब हो जाएगा, सिर्फ माइनस को क्या है कि इधर बुला लेते हैं, तो माइनस dz लिखेंगे किसके बदले में cosec स्क्वायर x और फिर dx के बदले में। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूट पे था इसको हम लोग z का पावर 1 बाई 2 बोल सकते हैं, और इस cosec स्क्वायर x dx के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस dz, माइनस बाहर xn वाला फॉर्मूला लगेगा, तो z का पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस c को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 z का पावर 3 बाई 2 प्लस c, और z को हम लोग क्या पुट किए हुए हैं cot x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 cot 3 by 2x plus c, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, यहां पर sin 2x है, यहां cos square x, इसका एंगल x है, इसका 2x है, तो पहले एंगल हम लोग सेम बना लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx by 4 into sin 2x into cos square x, तो ये साइन 2x का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग 4 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, और कॉस स्क्वायर x है पहले से, इक्वल टू 1 बाय 8 कॉन्स्टेंट बाहर भी कर सकते हैं हम लोग dx बाय साइन x इंटू कॉस क्यू x। तो इसी टाइप का सवाल तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बनाए हुए हैं कि दोनों का पावर और पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस पे हो जाएगा, तो
और अगर दोनों में से किसी का भी और पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं रहता है तो पावर को सम करते हैं, सम करेंगे माइनस फोर आएगा, और माइनस फोर आएगा तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग टेन एक्स करेंगे, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे पुट जेड इक्वल टू टेन एक्स, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो हमें टेन भी बनाना है, हमें सेक भी बनाना है, तो टेन कौन बनेगा, ये वाला चीज साइन एक्स, वन बाय एट कॉन्स्टेंट बाहर है, तो डी एक्स बाई साइन वहां पे एक है तो एक कॉस एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही तो साइन था, और जब एक कॉस से हम लोग डिवाइड किए हैं बैलेंस करने के लिए, एक कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, और तीन कॉस पहले से था कुछ इस ढंग से। अब ये आपका 1 बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x, और कॉस मिलकर यहाँ 4 हो जाएगा, तो 10 और हमें sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये कॉस हमारा sec पे चला जाएगा, तो इक्वल टू 1 बाय 8, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो sec 4x और डिवाइडेड बाय 10x dx होगा। अब जो dz बनेगा, उन्होंने बोला है कि हमें 2 sec x चाहिए, तो दो इससे मांग लिए हम लोग, इसके पास टोटल 4 था, अब इसके पास 2 बच गया है और 2 डोनेट किया है, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर यह चीज डी जेड बनेगा, जेड बनेगा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इक्वल टू 1 बाय 8 इंटीग्रेशन ऑफ, इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx, टोटल चीज जेड के फॉर्म में बनने के लिए तैयार है, इसको लिखेंगे 1 बाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड और फिर dz, अलग अलग डिवाइड करते हैं, 1 बाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड और फिर dz, जेड ये स्क्वायर एक कैंसिल करेगा, 1 बाई 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड प्लस जेड और फिर dz, 1 बाई 8, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन लॉग मोड जेड प्लस जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अब जहां पर जेड है हम लोग 10x लिख देंगे क्योंकि जेड को हम लोग 10x पुट किए हुए थे, इक्वल टू 1 बाई 8 लॉग मोड 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस ये आंसर हो जाएगा। हम लोग चाहे तो 1 बाई 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सब पे। नेक्स्ट है 23। ये भी देखो, साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव में है, जोड़ेंगे माइनस 2 आएगा, तो 10 के फॉर्म में इसको भी बनाना पड़ेगा, इसको भी 10 के ही फॉर्म में बनाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x और डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, रूट 10x, इस साइन x को हम लोग लिखेंगे साइन x बाई कॉस x ताकि 10 पे बदल जाए, तो कॉस अपना से डिवाइड किए बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉस पहले से है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x डिवाइडेड बाई 10x इंटू कॉस स्क्वायर x और फिर dx, ये कॉस स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा और 10 रूट में है, ये बिना रूट पे है, तो इसको हम लोग सेक स्क्वायर एक्स, ये ऊपर गया और ये रूट, और इसको हम लोग काटना चाहें ये अंडर रूट में हो जाएगा 10x dx, तो हम लोग पुट जेड इक्वल टू क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, 10x करते हैं, पुट जेड इक्वल टू 10x, देन डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और dz किसके इक्वल, sec स्क्वायर x dx के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, इस sec स्क्वायर x dx के बदले लिखेंगे dz और इस 10x के बदले लिखेंगे z, तो dz by root z हो जाएगा और 1 by root z का इंटीग्रेशन होता है 2 root z plus c, और z को हम लोग 10 लिए हुए हैं, 2 root 10x plus c, ये आंसर हुआ। 24 नंबर,
इसको हम लोग फिलहाल शुरुआत में कुछ नया एक्टिविटी करेंगे और छोटा करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस कॉस 6x और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो यहां पे नीचे जो पावर है स्क्वायर है, ऊपर पावर 6 में है, तो हम चाहते हैं कि दोनों का पावर एक जैसा हो जाए, स्क्वायर में ही हो जाए, फिर बड़ा मजा आता। तो हम इस साइन 6x को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से 6 हो जाएगा, और इस कॉस 6 को भी तब हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और फिर इसका पावर 3 और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है एक्यू प्लस बीक्यू का, और एक्यू प्लस बीक्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मालूम नहीं तो तुम लोगों को यह चीज मालूम होगा कि ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्यू प्लस बीक्यू प्लस 3ab और फिर ए प्लस बी, एक ये भी फॉर्मूला होता है और एक 3a² b प्लस 3ab² भी होता है, लेकिन हम लोग यही लगाने वाले हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब हमें सिर्फ एक क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, तो क्या करते हैं ये सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो लिखेंगे a प्लस बी का पावर 3 मतलब a प्लस बी का क्यू और माइनस 3ab और फिर a प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक क्यू प्लस बी क्यू, मतलब एक क्यू प्लस बी क्यू के बदले में हम इस चीज को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और फिर a प्लस बी। तो a के स्थान पर यहां पर कौन काम कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स और b के स्थान पर कौन काम कर रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला में देखो वहां पे क्या है, a प्लस बी का होल क्यू है, तो a के यहाँ पे कौन है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पावर 3 हो जाएगा और फिर फॉर्मूला पे है 3ab a प्लस बी, 3ab के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इस फॉर्मूला का प्रयोग करने से हमें जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये यहां पे 1 आया और फिर माइनस में इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड करने से ये चीज कैंसिल हो जाएगा और इधर भी एक हमें फॉर्मेट दे देगा, अलग अलग जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और जब इधर हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डीएक्स। अब ये टर्म आपका कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और यहां पे हम लोग चाहें तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन बना सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं डीएक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेंगे डीएक्स, इसको अलग लिख लेंगे। अलग लिखने का कारण है कि क्योंकि ये बहुत छोटा इंटीग्रेशन, इसका तो 3x हो जाएगा, लेकिन यहां फिर से हमें वही फॉर्मेट मिला है साइन टू दी पावर mx और कॉस टू दी पावर nx वाला फॉर्मेट, लेकिन दोनों का पावर जो है किसी का भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टू होगा और जोड़ेंगे तो माइनस 4 देता है, जो कि इवन नेगेटिव इंटीजर है, और जब पावर इवन नेगेटिव इंटीजर देता है तब हम लोग पुट जेड इक्वल टू क्या करते हैं इसमें 10x करते हैं, तो पुट जेड इक्वल टू 10x, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे डीजेड बाई डीएक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डीजेड किसके इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के। तो हमें अब इसको किसमें कन्वर्ट करना होगा 10 और सेक पे,
तो अभी तो नियम बताए हुए हैं कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है इसको। नाउ dx बाय, यहां पर देखो साइन हमारा स्क्वायर में है तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और इतना ही से फिर बैलेंस भी करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, और एक कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है और इधर इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अभी dx का हो जाएगा x तो माइनस थ्री एक्स होगा, प्लस सी अभी नहीं लगाना है क्योंकि इंटीग्रेशन यहां पर बाकी है। और आगे आते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग टेन स्क्वायर लिख सकते हैं और ये दोनों को ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस थ्री एक्स। अब यहां पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी जेड, ये बन गया जेड स्क्वायर। एक चीज जो अभी भी एक सेक स्क्वायर एक्स कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है जेड के फॉर्म, तो उस पर हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स का, तब ये भी जेड के फॉर्म में हो जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस थ्री एक्स। जेड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये हो जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर डी जेड माइनस थ्री एक्स। अलग अलग इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वन बाय जेड स्क्वायर और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और माइनस थ्री एक्स। वन बाय जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वन बाय जेड, इसका हो जाएगा जेड और माइनस थ्री एक्स। अब प्लस तीन लोग लगा लेंगे क्योंकि सारा इंटीग्रेशन हो चुका है। इक्वल टू माइनस वन बाय जेड को पुट किए थे टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी और वन बाय टेन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया भाई सवाल नंबर 24 का। और आगे आते हैं हम लोग, दो सवाल बचा हुआ है इस एक्सरसाइज पे, कॉस फोर एक्स और कॉस टू द पावर फोर टू एक्स डी एक्स, दोनों एक ही जैसा है। इसमें देखो फिर से वही रूल कि किसी का भी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फिर दोनों के पावर को सम करके देखेंगे। अब इसमें साइन है नहीं तो साइन का पावर क्या है जीरो, और फोर प्लस जीरो कितना आएगा फोर, और जोड़ने पे हमें क्या मिला इवन पॉजिटिव इंटीजर मिला। और जब इवन पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला और फिर कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला प्रयोग करते हैं ना, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे कॉस फोर एक्स है तो हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स वाला करेंगे ताकि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और ये फॉर्मूला से हमारा बनने वाला है। बनाते हैं इसको 25 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फोर एक्स डी एक्स। अब इसको क्या लिख लेना है कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स और डिवाइडेड बाई टू और साथ में इसका स्क्वायर और फिर डी एक्स। अब ये टू का स्क्वायर करेंगे वन बाई फोर कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉस का साइन का अगर लीनियर फॉर्म पे नहीं हो तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो दोबारा से इसको लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए फिर से वही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स का लगाएंगे इक्वल टू वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टू कॉस टू एक्स और इस कॉस स्क्वायर टू एक्स के बदले लिख सकते हैं वन प्लस कॉस फोर एक्स बाई टू और फिर डी एक्स। क्यों ऐसा लिखे फोर एक्स क्यों लिखे, क्योंकि जब कॉस स्क्वायर है तो 2x होता है, ये 2x पहले से है तो 4x होगा। अब हम फिर से इसको 1 बाई टू लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाई फोर ये बाहर 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 बाई टू प्लस कॉस 4x बाई टू हो जाएगा 1 बाई टू प्लस कॉस 4x बाई टू और फिर dx। अब
टोटल यहां पे इंटीग्रेशन होने के जैसा हो गया है, सबका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। 1 बाय 4 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos का हो जाएगा sin, तो 2 sin 2x और डिवाइडेड बाय यहां पे 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है इंटीग्रेशन में। अगर x का कुछ कोफिशिएंट लगा रहता है तो उससे ही हम लोग डिवाइड करते हैं। प्लस 1 बाय 2 कांस्टेंट है तो इसमें सिर्फ x लग जाएगा, तो x बाय 2 हो जाएगा। और प्लस 1 बाय 2 पहले से है, cos का इंटीग्रेशन sin, sin 4x डिवाइडेड बाय 2 into, तो कोफिशिएंट यहां पे 4 है तो 4 लग जाएगा। और फिर प्लस c इक्वल टू 1 बाय 4 x प्लस x बाय 2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस sin 2x और प्लस sin 4x और 4 दुना कितना हो जाएगा 8 प्लस c, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, 3x बाय 8 प्लस sin 2x बाय 4 प्लस sin 4x बाय 32 प्लस c, ये आंसर हो गया 25 नंबर सवाल का। 26 भी इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे, 26 बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x और फिर dx, तो इसको भी पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। cos स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाय 2 होता है, एंगल दोगुना करता है। यहां ऑलरेडी पहले से 2x लगा हुआ है, इसका हो जाएगा 1 प्लस cos 4x और डिवाइडेड बाय 2 और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बाय 2 कांस्टेंट, लेकिन स्क्वायर रहने के कारण 1 बाय 4 बाहर आएगा, 1 बाय 4 बाहर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 4x और फिर dx। फिर से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, दोबारा से यहां पे फॉर्मूला हमें लगाना होगा, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x और इसका फॉर्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर 4x का हो जाएगा 1 प्लस फिर से एंगल दोगुना cos 8x इस बार हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 और फिर dx। इसको अलग अलग कर लेते हैं फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इक्वल टू 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 बाय 2 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2 और फिर dx। अब सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। 1 बाय 4 कांस्टेंट था पहले से बाहर है, 1 का हो जाएगा x प्लस 2 cos का इंटीग्रेशन sin x sin 4x और इसमें x का कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड किए, 1 बाय 2 कांस्टेंट x लग जाएगा x बाय 2 प्लस cos का हो जाएगा sin 8x और इसके पास कोफिशिएंट 8 है x का, 2 into 8 से डिवाइड करेंगे और फिर प्लस c, 2 दुना 4 यहां पे कैंसिल और 8 दुना 16 हो जाएगा, 1 बाय 4 x प्लस x बाय 2 मिलके हो जाएगा 3x बाय 2 प्लस sin 4x बाय 2 प्लस sin 8x बाय 16 प्लस c। ये बाहर 1 बाय 4 है, सबसे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3x बाय 8 प्लस sin 4x बाय 8 प्लस sin 8x बाय 32 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 19.4 कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज को करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।